गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, वाटर इन आवर लाइव्स। एंड द बुक आई एम फॉलोइंग इज एनवायरमेंटल स्टडीज, वीवा एजुकेशन, लर्न, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। सो लेट अस स्टार्ट। Natural sources of water. Rain is the main source of water on earth. Rainwater reaches different water bodies like lakes, rivers, ponds, seas and oceans. So beta, natural source of water matlab wo source jo hame nature deti hai, nature mein milta hai. Sabse important rainwater hai. रेन क्या है? मेन सोर्स ऑफ वाटर है। और कहाँ कहाँ जाता है ये बारिश का पानी? रिवर्स में, नदियां, लेक्स, पॉन्ड्स, समुंदर में, सीज में एंड ओशंस में। सो इन जगह ये रेन वाटर कलेक्ट होता है। पीपल यूज वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स फॉर डोमेस्टिक पर्पस। सो लोग यहाँ से पानी ले लेके अपने रोज के काम, डोमेस्टिक पर्पस हो गया, डेली का काम हो गया, कपड़े धोने, नहाना, बर्तन धोने, ये सारे काम हमारे डोमेस्टिक पर्पस हैं। वाटर फ्रॉम सीज कैनॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर डोमेस्टिक पर्पस बिकॉज इट इज़ वेरी सॉल्टी। 1 मार्क क्वेश्चन आता है यहाँ पे। सो सी समुद्र को कहते हैं। समुद्र का पानी हम यूज क्यों नहीं कर सकते बर्तन धोने के लिए, खाना बनाने के लिए या कपड़े धोने के लिए? क्योंकि बेटा वो पानी क्या होता है? सॉल्टी, मतलब बहुत नमक होता है उस पानी में। सम रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड। अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन आउट बाय डिगिंग वेल्स, हैंड पंप्स एंड ट्यूब वेल्स। सीप्स का मतलब ग्राउंड के अंदर धीरे धीरे जाना। रेन वाटर धीरे धीरे ग्राउंड के अंदर जाता है। अंडरग्राउंड वाटर का क्या है? अगर धरती के नीचे का जो पानी है उसको आप कुएं, वेल्स या फिर हैंड पंप्स या फिर ट्यूब वेल्स वगैरह लगा के हम निकाल सकते हैं। फ्रॉम वाटर बॉडीज टू आर टैप्स। वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स रीचेज आर होम्स थ्रू पाइपलाइंस। आपने देखा होगा आपके घर में जो पानी आ रहा है, कैसे आ रहा है वो? पाइप की, हाँ जी, पाइप्स लगी हुई हैं, उसमें नल लगा हुआ है, वहां से आपको पानी मिलता है। इट इज देन स्टोर्ड इन ह्यूज ओवरहेड और अंडरग्राउंड टैंक्स। फिर हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं। From here it comes to the taps in our houses. The water that comes in our taps is not very clean. It must be boiled or filtered before drinking. So beta, जो पानी हमारे पास rivers या lakes से आता है सीधा, वो पानी साफ नहीं होता, उसको आपने boil करना है, filter करना है, फिर उस पानी को हमने use करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वॉल्यूम एंड शेप ऑफ वाटर। सो वॉल्यूम एंड शेप वेरी इंपॉर्टेंट है। सो टेक अ जग फुल ऑफ वाटर, अ ग्लास एंड अ बाउल। पोर वाटर फ्रॉम द जग इनटू द बाउल एंड द ग्लास। यू विल सी दैट वाटर टेक्स द शेप ऑफ द ग्लास और द बाउल। हमने एक जग में पानी ले लिया, फिर हमने उसको एक कटोरी ले ली और एक ग्लास ले लिया। कटोरी में भी पानी डालेंगे, ग्लास में भी पानी डालेंगे, तो यू कैन सी कि जो हमने पानी कटोरी में डाला है तो वो कटोरी की तरह हो गया गोल गोल, जो हमने ग्लास में डाला है पानी तो वो पानी जो है ग्लास का शेप की हो गया। अब नाउ ट्राई टू पोर ऑल द वाटर फ्रॉम द जग इन टू द ग्लास। अगर हमने पूरे जग का पानी एक ग्लास में डालेंगे तो वो क्या होगा? ओवरफ्लो होएगा, गिरेगा पानी। किस में से? ग्लास में से। यू विल फाइंड दैट द वाटर ओवरफ्लोज।
दिस शोज दैट जग कैन होल्ड मोर वाटर देन अ ग्लास. सो वाटर डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. सो वाटर की कोई डेफिनेट यानी फिक्स शेप नहीं है. जैसे ये बुक है आपकी ईवीएस की, अब इस बुक में क्या इसकी फिक्स शेप है ना, आपके हाथ में ये पेंसिल है, अब पेंसिल की क्या है बेटा, फिक्स शेप है, पर पानी की फिक्स शेप नहीं है. ये जिस भी बर्तन में आप रखोगे, बकेट में, ग्लास में, ये उसी शेप का हो जाएगा. इसलिए कहते हैं वाटर डज नॉट हैज डेफिनेट शेप. डिफरेंट वेसल्स कैन होल्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर. वेसल मतलब बर्तन, अलग अलग बर्तन अलग अलग क्वांटिटी पानी का डाल सकते हैं उसके अंदर. जैसे एक ग्लास में ज़्यादा डालोगे, जग में उससे भी ज़्यादा पानी डल जाएगा, बकेट लोगे तो बकेट में बहुत ज़्यादा पानी डलेगा. सो कितना पानी किसी कंटेनर में हम डाल सकते हैं उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम. सो वॉट इज़ वॉल्यूम? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड और वाटर अ कंटेनर कैन होल्ड. किसी बर्तन में कितना हम लिक्विड डाल सकते हैं, कितना हम उसमें पानी भर सकते हैं, वो उसका वॉल्यूम होएगा. क्लियर बेटा? दिस वॉज द वॉल्यूम. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज ऑफ वाटर. इन सिटीज एंड टाउन्स वाटर इज स्टोर्ड इन कंटेनर्स मेड अप ऑफ मेटल, स्टील, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक. And in villages, people store water in earthen pots and in containers made of copper or brass. बेटा cities मतलब शहरों में हम पानी भर कर रखते हैं, बड़े बड़े हमारे स्टील की बाल्टियाँ होती हैं, स्टील के बड़े बड़े हमारे पास कंटेनर्स होते हैं, या फिर हम प्लास्टिक की टैंकी लेकर आते हैं उसमें पानी रखते हैं. और गाँव यानी कि विलेज में अर्दन पॉट्स मतलब मिट्टी के घड़े उसमें रखा जाता है, या बड़े बड़े उनके पास तांबे के बर्तन होते हैं या फिर ब्रास के बर्तन होते हैं, फूल के बर्तन भी कहते हैं, उसमें पानी रखे जाते हैं. नेक्स्ट इज सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टोर एंड हैंडल ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपरली सो दैट इट डज नॉट बिकम डर्टी एंड अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग. So you have given below are some ways. Store water in a clean containers. Keep the containers covered. अब safe handling क्यों होनी चाहिए पानी की? हमें पता है पानी धरती पर पीने वाला कम है, बाकी पानी क्या है. So store water in clean containers and keep the containers covered. Store the water in क्लीन कंटेनर, साफ सुथरे कंटेनर्स में पानी को रखो और ढाक कर रखो. क्लीन द कंटेनर्स एवरी डे, और रोज कंटेनर्स को बेटा क्लीन करना है. डू नॉट यूज वाटर स्टोर्ड फॉर मेनी डेज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. यूज इट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, वॉटरिंग प्लांट्स और मॉबिंग. अगर बेटा पानी हमने बहुत दिनों का बॉटल में भर के रखा है तो उसको नहीं पीना, वो क्या होगा, वो खराब हो गया है पानी, पीने के लिए खराब हो चुका है. बाकी काम कर सकते हो, पौधों में डाल सकते हो, कपड़े धो सकते हो. मॉपिंग, मॉपिंग मीन्स पोछा लगाना. टेक आउट वाटर फ्रॉम डीप कंटेनर्स विद द हेल्प ऑफ ए लैडल. लैडल क्या होता है, हम एक छोटा सा लोटिया लगा होता है, उसके लंबा सा हैंडल होता है, या छोटी सी कटोरी लगी होती है और लंबा सा हैंडल होता है, उसको बोलते हैं लैडल. सो हाथ से नहीं पानी निकालना. डू नॉट पुट योर हैंड्स इनटू ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज इट विल मेक द वाटर डर्टी. अब आप आपके हाथों में पसीना लगा होगा, गंदगी लगी होगी, तो वो सारा पानी के अंदर चली जाएगी. कई बार कपड़े भी चले जाते हैं तो कपड़े के कीटाणु चले जा सकते हैं, है ना. नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. वी ऑल फेस वाटर शॉर्टेज. दिस इज बिकॉज ऑफ द रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. शॉर्टेज मतलब कमी है, पानी की बहुत कमी है बेटा धरती पे. और क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही है. रैपिडली मतलब बहुत फास्ट हो रही है. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सेव इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर. सो वन वे टू सेव वाटर इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, बारिश के पानी को हम इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं और पाइपों के थ्रू उसको अंडरग्राउंड रिजर्वर में डाल देते हैं. रिजर्वर मतलब नीचे पानी जहाँ स्टोर होता है, फिर उसको निकाल कर आप उसको बेदिंग के लिए, वॉशिंग के लिए और कामों के लिए यूज कर सकते हो. ठीक है बेटा? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
अगर आपको पानी पीना है तो आपको पता है कि मैं एक गिलास पी सकता हूँ, फिर भी आप पूरा एक गिलास ना भरकर थोड़ा सा ही भरकर पानी लो ताकि पानी वेस्ट ना होए। ब्रश कर रहे हो, टैप को बंद करके ब्रश करो, फिर जब ब्रश वॉश करना है तब टैप ऑन करो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वॉटर साइकिल। वॉटर साइकिल क्या चीज है? इट इज द चेंज ऑफ वॉटर इंटू वॉटर वेपर एंड देन बैक इंटू द वॉटर इन नेचर। सबसे पहले क्या होगा, पानी इवापोरेट होएगा सी से, रिवर से। इवापोरेट होकर क्या जाएगा, वेपर बन जाएगा। वेपर बनकर फिर क्या जाएगा, ऊपर जाकर वो ठंडा होएगा, कूल होएगा और क्लाउड्स बन जाएगा। फिर क्लाउड से क्या होएगा, वेरी गुड, बारिश आएगी। ये आंसर आपको पता था, शाबाश। और फिर बारिश, फिर पानी कहाँ इकट्ठा होगा, फिर समुद्रों में इकट्ठा होएगा, रिवर्स में इकट्ठा होएगा, वहां से फिर इवापोरेट होएगा। सो इसको कहते हैं वॉटर साइकिल। सो दिस वॉज द मेन चैप्टर हियर चिल्ड्रन। देन योर एक्सरसाइज टाइम। इन एक्सरसाइज आई विल बी गिविंग यू द आंसर्स क्विकली एंड रिटर्न क्वेश्चन आंसर्स विल बी गिवन टू यू ऑल्सो। नंबर वन इज ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी डैश और बॉइल्ड बिफोर ड्रिंकिंग। क्या इसका आंसर क्या आएगा बेटा? फिल्टर्ड। वेरी गुड। सीज एंड ओशंस कंटेन डैश वाटर, साल्टी वाटर, नमकीन। वेरी गुड। डैश इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, रेनिंग, रेन। क्या होगा, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट कम्स ट्रू एंड फॉल्स। सी वाटर कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ? फॉल्स, बिकॉज इट कंटेन्स सॉल्ट। वाटर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। ट्रू है कि फॉल्स? वाटर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। ये ट्रू है। ये टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। लेक्स एंड रिवर्स आर एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। फॉल्स। वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स। ट्रू। वेरी गुड। सो नेक्स्ट पार्ट वील बी डूइंग इन अनदर वीडियो। टिल देन रीड लाउडली, रीड अगेन एंड अगेन, सो दैट यू गेट द आंसर्स yourself also. Well children, if you like my teaching, you can contact me. The number is given in the description box, and also for the question answers, the link is given in the description box. You can personally contact on the given number for offline tuitions also. So do subscribe my channel, share it and like it. Have a nice day. Bye-bye.